सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। सर उठाकर फक्र से चलने की हसरत हो अगर तो सीखिए गर्दन कहाँ कितनी झुकानी चाहिए। संभाल कर चल नदान, ये इंसानों की बस्ती है, ये रब को भी अजमा लेते हैं, फिर तेरी क्या हस्ती है। आज का पंचांग 13 अक्टूबर 2022 दिन गुरुवार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, रात्रि 3:08 तक रहेगी। इसके उपरांत पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। कृतिका नामक नक्षत्र शाम 6:41 तक रहेगी। इसके उपरांत रोहिणी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी, अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 1:39 से 3:06 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:50 से 12:36 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगी। करवा चौथ की शुभकामनाएं। आपको बता दें कि करवा चौथ का प्रारंभ रात्रि 1:59 से सुबह 3:08 तक रहेगा। करवा चौथ का शुभ पूजा मुहूर्त आज शाम 6:17 से 7:31 तक रहेगा। अमृत काल शाम 4:08 से 5:50 तक रहेगा। चंद्रोदय रात्रि 8:48 पर होगी। वृषभ राशि 13 अक्टूबर 2022 दिन गुरुवार। स्थितियां और घटनाएं इस प्रकार बदलेंगे कि आपको पहले से सोच समझकर लिया गया एक फैसला बदलना पड़ सकता है। आपको जीवन में आने वाली चीजों के प्रति अधिक जिम्मेदार रवैया अपनाना होगा। आप अपने पहले तय किए गए कार्यक्रम के अनुसार नहीं चल पाएंगे क्योंकि आपको कुछ अप्रत्याशित घटनाओं के कारण अपना कार्यक्रम बदलना पड़ सकता है। इस अप्रत्याशित घटना के कारण आपके छोटी अवधि के लगभग सभी कार्य प्रभावित होंगे। वक्त के अनुसार खुद को ढालने से आप हर जगह उचित सामंजस्य बना लेंगे। दिन का आरंभ सुखद गतिविधियों से होगा। व्यस्तता के बावजूद घर व परिवार आपकी पहली प्राथमिकता रहेगी। स्पिरिचुअल गतिविधियों में रुझान बढ़ेगा। अभी मेहनत करके आर्थिक स्थिति मजबूत करने की कोशिश करें। अपना लक्ष्य आपको अपनी क्षमता से अधिक लगेगा, लेकिन ये कमजोरी के कारण होगा। अपने मानसिक स्थिति को सुधारने के लिए संगत पर ध्यान देने की कोशिश करें। जिन लोगों के साथ बातचीत करके निराशा होती है उनके साथ दूरियां बनाए रखना आपके लिए ठीक होगा। अपनी क्षमता बढ़ाने की कोशिश करें। क्षमता से अधिक काम करना आपके लिए जरूरी होगा। पार्टनर और आपका एक दूसरे के लिए कठोर व्यवहार बनता हुआ नजर आ रहा है, इस कारण बातचीत बनाए रखना मुश्किल लगेगा। घुटनों का दर्द तकलीफ दे सकता है। सावधानियां। जमीन जायदाद संबंधित कोई मामला चल रहा है उसे शांति और गंभीरता से समझाएं, क्योंकि जल्दबाजी और भावुकता में गलत निर्णय भी हो सकते हैं। इस समय कोई भी स्थान परिवर्तन करने के लिए समय अनुकूल नहीं है। बात करते हैं लव लाइफ की। दांपत्य जीवन सुखद और खुशहाल पूर्ण रहेगा। प्रेम प्रसंगों के मामलों में नजदीकियां भी बढ़ेगी। आपकी किसी आकर्षक अजनबी से अजीब और छोटी सी मुलाकात हो सकती है। आप आसानी से अपनी मीठी बातों और आकर्षण से उन्हें अपनी तरफ खींच पाएंगे और उनके साथ इन्वॉल्व भी हो जाएंगे, लेकिन ऐसे संबंधों को किसी रिश्ते में तब्दील होने की उम्मीद मत कीजिए। कोई गहरा अर्थ तलाश करने की जरूरत नहीं है। फ्लड का मौसम है और आप भी इसका मजा ले सकते हैं। बात करते हैं करियर की। आज के दिन आपकी प्रतिभा को आपके उच्च अधिकारी पहचानेंगे और आपके कार्य क्षेत्र में आपकी काफी प्रशंसा होगी
और साथ ही साथ आपको घर में उपहार भी मिल सकता है जो आपके दिल को प्रज्वलित करेगा और आप इसके हकदार भी हैं। आपने अपने करियर को उठाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं जिससे कि आपको अपनी कार्य की सराहना मिलेगी और अब उनके फल मिलने का समय है। आज के दिन आप कुछ महंगी खरीदारी में भी व्यस्त रहेंगे। बात करते हैं सेहत की। आपको आज कोई बहुत अच्छा दोस्त मिलेगा जो आपका व्यायाम में बेहतरीन साथी साबित होगा। आप उसे पहले भी जानते थे लेकिन स्वास्थ्य में उसकी भी रुचि का आपको अभी पता चला है। आपकी मिली जुली कोशिशों से आप अपनी स्वास्थ्य को और अधिक गंभीरता से लेंगे और आपकी फिटनेस बहुत अच्छी रहेगी। आप अभी किसी एथलेटिक कार्यकलाप में भाग ले सकती हैं। आज का उपाय, आज अब तुलसी माता की पूजा करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।